नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्न सेन भारती। कहते हैं बिहार के छात्रों का यूपीएससी में जलवा है। एक ऐसे ही जलवे वाली कहानी के साथ मैं हाजिर हूँ। यूपीएससी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि सीएपीएफ परीक्षा 2019 का रिजल्ट जारी हो गया है। अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित होने वाली यूपीएससी की सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स 2019 की परीक्षा में मधेपुरा के लाल सचिन कुमार ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। इस परीक्षा में पूरे देश में 264 अभ्यर्थी सफल हुए। सचिन ने पहला स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि सफलता किसी की मोहताज नहीं होती। आपको बता दें कि देश में पहला स्थान प्राप्त करने वाले सचिन की पारिवारिक पृष्ठभूमि सामान्य है। इनके जीवन में कई रोड़े आए, लेकिन उन्होंने उन सभी बाधाओं को पार करते हुए देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। सचिन ने अपने लगन के बल पर बिहार के वैशाली के साथ ही अपने माता पिता का भी मान बढ़ाया है। यूपीएससी के साल 2019 के सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की परीक्षा में देश के सभी राज्यों से लाखों युवा शामिल हुए थे। उसमें पूरे देश के कुल 264 अभ्यर्थी सफल हुए। सचिन ने बताया कि वह मूल रूप से वैशाली के सिस्तौल के रहने वाले हैं। वर्तमान में उनके पिता बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा में लीगल इंचार्ज के पद पर कार्यरत हैं। शुरुआती दौर में उनके पिता विश्वविद्यालय में डेली वेजर वर्कर के पद पर कार्य करते थे। 22 वर्षीय सचिन ने बताया कि जब वह छठी क्लास में थे, उसी दौरान उनके सैनिक स्कूल में परीक्षा उत्तीर्ण की थी। नालंदा सैनिक स्कूल में उनका नामांकन हुआ। वहां 8वीं कक्षा की परीक्षा में बिहार में टॉप करने के बाद राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में उन्होंने अपना नामांकन करवाया। अपनी लगन और मेहनत के बल पर उन्होंने 12वीं की परीक्षा में भी टॉप किए। इसके बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए साल 2016 में वे वाराणसी चले गए। उन्होंने वाराणसी में हिंदू विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन किया और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं। सचिन ने बताया कि यूपीएससी परीक्षा में सफलता के लिए वह दिन भर बीएचयू के सेंट्रल लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करते थे। सुबह ब्रेकफास्ट के बाद वे लाइब्रेरी जाते थे और रात के 9 बजे तक पढ़ाई करते थे। इस दौरान सिर्फ खाना खाने के लिए वे बाहर निकलते थे। इसके अलावा जब यूनिवर्सिटी में क्लासेज फ्री होती थी, तब वो दोस्तों के साथ बातचीत और मस्ती का समय जाया किया करते थे। क्लासरूम में बैठकर वो लगातार पढ़ाई करते थे। आपको बता दें कि जब सचिन ने 12वीं की परीक्षा टॉप की थी, उस समय के वर्तमान रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के द्वारा उन्हें श्रेष्ठ कैडेट अवार्ड सहित सोर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया था। सचिन ने यह भी बताया कि बचपन में उनके दादा रिक्शा चलाकर परिवार का भरण पोषण करते थे। बचपन से ही आर्थिक तंगी को देखते और झेलते हुए सचिन का आत्मविश्वास इतना मजबूत हो गया था कि वे अपनी मेहनत से कोई भी सफलता हासिल कर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कोरोना काल में उनके गांव में ही यूपीएससी की तैयारी की, कहीं से किसी कोचिंग की मदद नहीं ली। आज बिहार का लाल सचिन को देश के सर्वोच्च परीक्षा पास कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। सचिन से यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र सचिन से प्रेरित होकर और भी आगे बढ़ने की इच्छा रखेंगे। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।